Click to subscribe channel. Press bell icon for notification. हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एम्स दिल्ली स्टाफ नर्स 2017 का जो प्रीवियस पेपर है वो देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे प्रीवियस पेपर के लिए, इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम पे कोई पेपर लेके आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाई विच ऑर्गेनिज्म। जो पेप्टिक अल्सर है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? ऑप्शन में है इकोलाई, सुडोमनास, स्ट्रेप्टोकोकस और एच पाइलोरी। तो इसका आंसर है एच पाइलोरी, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है उसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवम मैच्योरेशन इज, यानी ओवम मैच्योरेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसके लिए देखिए LH, FSH, HCG। तो LH ये ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार है, FSH ये ओवम मैच्योरेशन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है FSH। ठीक है, HCG यह प्रेगनेंसी डिटेक्शन के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा पेशेंट। जो ट्रॉमा के पेशेंट हैं उसमें मोस्ट कॉमन कौन से टाइप का शॉक पाया जाता है? ऑप्शन में देखिए हाइपोवोलेमिक, एनाफाइलेटिक, ये थर्ड है कार्डियोजेनिक और फोर्थ है न्यूरोजेनिक। तो इसमें ये देखिए कौन सा है, फर्स्ट है हाइपोवोलेमिक। तो इसका आंसर है हाइपोवोलेमिक, क्योंकि ट्रोमा होगा तो ट्रोमा से जो ब्लीडिंग है, ट्रोमा होगा तो ट्रोमा से ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग से शरीर से ब्लड लॉस होगा, तो जो ब्लड का वॉल्यूम होगा क्या होगा, कम होगा। तो कौन सा शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। इसका आंसर है हाइपोवोलेमिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक यह किसी भी एलर्जी के कारण होता है, हाइपर सेंसिटिविटी के केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर मार्कर फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर। जो पेनक्रियाटिक कैंसर है उसके लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर है? इसमें फर्स्ट में देखिए 15-3, 19-9 और 125। ठीक है, तो 15-3 है ये ब्रिस्ट कैंसर के लिए आता है। ठीक है, जो 15-3 ट्यूमर मार्कर है वो ब्रिस्ट कैंसर के लिए है, 19-9 ये पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए है, और 125 ये है ओवेरियन कैंसर के लिए। ठीक है, 15-3 तो ब्रिस्ट के लिए, 19-9 पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए और 125 ये है ओवेरियन कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल मेडिकेशन गिवन एट विच ऑफ स्पाइन। यानी जो स्पाइनल मेडिकेशन देते हैं वो कौन से स्पाइन के बीच में देते हैं? ऑप्शन है लंबर 1 लंबर 2 के बीच में, सेकंड ऑप्शन लंबर 2 लंबर 3 के बीच में, थर्ड ऑप्शन लंबर 3 लंबर 4 के बीच में, और फोर्थ ऑप्शन है लंबर 4 लंबर 5 के बीच में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो L4 L5 है। ठीक है, लेकिन कई बुक में L3 L4 भी दे रखा है, लेकिन जो हम आंसर मानेंगे रियल आंसर वो है L4 L5 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग डायग्राम। दिखाए गए डायग्राम में कौन सा प्रेजेंटेशन है? तो इसमें देखिए फर्स्ट है ऑप्शन है कंप्लीट ब्रिज, सेकंड है फ्रैंक ब्रिज, थर्ड है फुटलिंग और फोर्थ है सिफेलिक। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो कौन सा है, फ्रैंक ब्रिज। ठीक है, क्योंकि जो दोनों एक्सट्रीमिटी है वो एकदम से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है? BCG की, बेसिलस कार्मेट ग्यूरिन, ये एक लाइव एटेन्यूएट बैक्टीरियल वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ WBC इंक्रीज इन एलर्जी कंडीशन। एलर्जी की कंडीशन में कौन सी WBC इंक्रीज होती है? ऑप्शन में देखिए न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स या प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर होगा इओसिनोफिल्स। जो इओसिनोफिल्स है वो एलर्जी की कंडीशन में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेट इन अनमेरिड गर्ल, जो अनमेरिड गर्ल है उसमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेट है? ऑप्शन में देखिए कॉन्डोम, IUCD, डायफ्राम या OCP। तो इसका आंसर है IUCD, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये प्रेगनेंट जो अनमेरिड गर्ल है उनको नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल एनाइन गैप इज, नॉर्मल एनाइन गैप कितना होता है? ऑप्शन में देखिए 4 से 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 5 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 8 से 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और 20 से 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नॉर्मल एनाइन गैप आपने ये एसिड बेस बैलेंस में पढ़ा होगा, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है उसमें जो एनाइन गैप इम्बेलेंस है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो कितना होता है? 8 से 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये एम्स जोधपुर की एग्ज़ाम लगी थी 25 मार्च 2017 को, उसके जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें लगा था, और जो 2017 में एम्स ऋषिकेश की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी इसका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए, एक्सेसिव ड्रूलिंग इन चाइल्ड इंडिकेट्स, यानी कोई भी बेबी है या कोई बच्चा है उसे एक्सेसिव ड्रूलिंग हो रही है यानी सलाइवा निकल रही है माउथ से, तो वो किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन में देखिए टेटालोजी ऑफ फेलोट, एफ्टिन एनोमली, ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टुला या फेरिंजाइटिस। तो इसका आंसर होगा ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टुला। ठीक है, उसमें ड्रूलिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ फॉलोइंग ऑब्स्टेट्रिक ग्रीप, ये जो डायग्राम है उसमें कौन सी आपको ग्रिप दिखाई दे रही है तो उसका नाम बताना है। ये डायग्राम आया था दिल्ली एम्स में, ऐसे ही डायग्राम आते रहेंगे जो एम्स के एग्ज़ाम है उसमें, तो इसके अनुसार कौन सी ग्रिप है? तो इसमें देखिए ऑप्शन में है फंडल ग्रिप, एम्ब्लाइकल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप और पाल्विक ग्रिप। जो हैंड है अगर वो अपर साइड में होगा स्टोमक के ऊपर तो वो फंडल ग्रिप, अगर साइड में होगा तो लेटरल ग्रिप, और पेल्विक ग्रिप के लिए जो नर्स है वो यानी जो भी लेडीज है प्रेग्नेंट लेडी है उसके सर के साइड में खड़ी होकर दोनों हाथों से जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से पाल्पेट करेगी, लेकिन इस पाल्विक ग्रिप है इसमें नीचे से पाल्पेट कर रही है। ठीक है, ये है पाल्विक ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर टेम्परेचर इज, यानी जो ऑपरेशन थिएटर है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसका आंसर है 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट आर अब्सॉर्ब्ड इन, जो मोस्टली न्यूट्रिएंट है वो कहाँ से अब्सॉर्ब्ड होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो भी अधिकतर न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही अब्सॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड ग्रुप कैन बी यूज इन एमरजेंसी और वहन डिजायर्ड ब्लड ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, एमरजेंसी के दौरान कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूज कर सकते हैं जब पेशेंट है उसके मैच का कोई ब्लड नहीं मिल रहा है, तो कौन सा यूज कर सकते हैं? ओ नेगेटिव, ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर है ब्लड में, तो इसका ब्लड है वो किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 का, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग IV कैनुला साइज एंड कलर इनकरेक्ट, यानी कौन सी IV कैनुला की साइज और कलर इनकरेक्ट है? 18, इसमें फर्स्ट में देखिए 18 नंबर ग्रीन, ये सही है, जो 18 नंबर का होता है वो ग्रीन कलर में होता है। 20 नंबर का पिंक, ये भी सही है। 22 नंबर का ब्लू, ये भी सही है। और 24 नंबर का ग्रे, ये गलत है। जो 24 नंबर का है वो येलो कलर का होता है, तो और यहाँ पे कौन सा दे रखा है कलर? ग्रे, तो ये मैच नहीं हो रहा, तो इसका आंसर होगा 24 ग्रे, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ फॉलोइंग पेल्विक डायमीटर, जो ये डायग्राम है इसको आपको ये देख के बताना है कि ये कौन सा डायमीटर है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन में ट्रू कॉन्जुगेटेड, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेटेड, डायगोनल कॉन्जुगेटेड और फॉल्स कॉन्जुगेटेड। तो इसका आंसर है
डायगोनल कॉन्जुगेटेड। कभी भी आपको एग्जाम में ये सिंपल वाला है, देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये दो बार आया हुआ एग्जाम में, एम्स दिल्ली में भी आया था, जो पीछे की एम्स इस ऋषिकेश की एग्ज़ाम हुई थी 2017 में, जो 2017 वाले की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये फिंगर इंसर्ट कर रहा है ऊपर से, तो इंडेक्स फिंगर से दबा रहा है, तो ये डायगोनल में होता है, ठीक है, डायगोनल कॉन्जुगेटेड। सिम्फाइसिस प्यूबिस है, उसका लोअर बॉर्डर है और जो सेक्रल प्रोमिनेंट्री है वहाँ तक कौन सा है, डायगोनल कॉन्जुगेटेड, ठीक है। विच नर्वस सप्लाईज डायफ्राम, डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, तो इसमें देखिए स्प्लेनिक नर्व है, डायफ्रेगमेटिक नर्व है, फ्रेनिक नर्व है और सियाटिक नर्व है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फ्रेनिक नर्व है, डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एलन टेस्ट, एलन टेस्ट किसके लिए करते हैं, एलन टेस्ट एबीजी एनालिसिस के लिए करते हैं, ये सभी को पता है, एसिड बेस बैलेंस आपने पढ़ा होगा, एलन टेस्ट एबीजी एनालिसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपको डायग्राम दिया गया है इसका नाम बताना है कि ये कौन सा डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको कहते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है, स्पायरोमीटर है ये। While installing ear drop in adult client, the pinna of ear pull, यानी जब भी किसी adult client में nurse है वो दवाई डाल रही है, जो drop है वो install कर रही है, तो वो ear की जो pinna है उसको कैसे pull करेगी, option में देखिए pinna downward and backward, pinna upward and backward, pinna upward and forward, pinna up downward and forward, तो इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा पिना अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी जो भी नर्स है, अगर कोई भी, देखिए मेरी एक बात सुनिए, अगर कोई भी है यानी कोई भी चाइल्ड अगर वो 3 साल से ऊपर का है या बड़ा है, तो जो ईयर का पिना है उसको नर्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड करेगी, अगर चाइल्ड की एज है वो 3 साल से कम है तो जो ईयर का पिना है उसको डाउनवर्ड और बैकवर्ड करेगी, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो एडल्ट के लिए पिना अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, फिर से समझिए, बड़ों के लिए अप और छोटों के लिए डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोन डिसरिदमिया इन ईसीजी स्ट्रिप्स, जो आपको ईसीजी स्ट्रिप दिखाई गई है उसमें कौन सा डिसरिदमिया है ये आपको पहचानना है, ऑप्शन में दे रखा है एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और एवी ब्लॉक, ठीक है, तो इसका आंसर होगा वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, सिर्फ ऐसी वेव बनती है, उसमें ना तो पी वेव होती है, जो पी वेव होती है वो चेंज हो जाती है एफ वेव में, फिब्रिलेटिव वेव में, ठीक है, तो इसमें पी वेव और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और जो टी वेव है वो साफ क्लियर नहीं होती, वो एक मतलब इरेगुलर वेव बन जाती है, ठीक है, तो ये क्या है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग हेडेक, कोमा लेथार्जी, कोमा नोजिया एंड वोमिटिंग, व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एक बच्चा है वो हेडेक, लेथार्जी सुस्त और नोजिया वोमिटिंग उसको हो रहा है, तो नर्स है उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसमें देखिए ऑप्शन में एबीजी एनालिसिस, सीएसएफ एनालिसिस, सीबीसी और यह सिक टेस्ट, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो क्या करेंगे, सीएसएफ एनालिसिस, पेशेंट देखेंगे, उसको देखेंगे उसको हेडेक क्यों हो रहा है, लेथार्जी क्यों है, कोई भी मेनिनजाइटिस का केस है या कुछ हो रहा है, तो उसको क्या, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, CSF एनालिसिस, या ऑप्शन में LPI तो वो भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे CSF की जगह अगर LP हो, लंबर पंक्चर हो, तो लंबर पंक्चर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू फर्स्ट इफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अराइज, अगर कोई भी पेशेंट है उसको ब्लड दे रहे हैं, अगर वहाँ पे ब्लड रिएक्शन हो गई है तो सबसे पहले क्या करेंगे,
तो सबसे पहले नर्स का एक ही काम रहेगा, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी जो भी ट्रांसफ्यूज़न चल रहा है उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सेकंड काम करेंगे, जो भी आईवी है, आईवी फ्लूड है, तो वो देंगे। आईवी फ्लूड कौन सा, नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। पहला काम करेंगे स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, उसके बाद में जो भी आईवी एनएस है उसको इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन, यानी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो जो इसका आंसर है वो मैं बता देता हूँ, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी के कारण कौन सा डिफेक्ट होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसीलिए जो भी कोई भी प्रेग्नेंट वूमेन है या कोई भी वूमेन है, तो उसको प्रेगनेंसी से एक महीने पहले से ही फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन इज शोन इन फॉलोइंग पिक्चर्स। ऑप्शन मेरास्मस, क्वासियोकोर, मेरास्मिक क्वासियोकोर या हाइपरलिपिडेमिया। आप इसको इमेज को देखिए, ये इमेज दिल्ली एम्स में आई हुई थी, तो इसमें पहचाना था कि ये इसमें कौन सा जो माल न्यूट्रिशन है वो है, ठीक है। तो जो मेरास्मस होता है उसमें क्या होता है कि मेरास्मस में एकदम से यानी सीवियर मसल्स वास्टिंग, यानी उसमें मसल्स वास्टिंग होती है, जो भी बेबी होता है वो एकदम से कमज़ोर होता है, जो भी बच्चा होता है जिसे माल न्यूट्रिशन होता है वो एकदम से पतला होता है, ठीक है, एकदम से कमज़ोर होता है। लेकिन इसमें जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसमें क्या है, पोर्ट बेली। जो पोर्ट बेली है वो किसको इंडिकेट करता है, क्वासियोकोर को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वासियोकोर। नेक्स्ट देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में कौन सी ड्रग्स देंगे, तो इसका आंसर होगा एड्रेनलिन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी इसका सेकेंड पार्ट डालूँगा तो आपको उसके बारे में अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू।